हमारी हम सभी के जिंदगी में आमतौर पर गांधी जी की एंट्री स्कूल के 2 अक्टूबर वाले छुट्टी के दिन ही हुई होती है। फिर बाद में वो कौन थे, उन्होंने क्या किया, इन सब पर भाषण और चर्चों से हमें इनके बारे में और पता चलता है। 25 जनवरी को जहां बॉलीवुड के लिए संजीवनी की तरह काम करने वाली पठान रिलीज हुई थी, तो वहीं 27 जनवरी को रिलीज हुई थी गांधी वर्सेस गॉडसे एक युद्ध। हाय गाइज, मैं हूं आकाश और बताऊंगा फिल्म अच्छी थी या थी बकवास, और साथ ही बात करूंगा पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट के बारे में। तो आओ शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ये फिल्म गांधी वर्सेस गॉडसे एक पॉसिबिलिटी की बेस पर लिखी गई है कि अगर गांधी गॉडसे की गोली मारने के बाद भी बच जाते हैं तो क्या होता, और इसके राइटर की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि मैक्स टाइम देखा जाता है कि ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर आदमी अक्सर पूर्वग्रह से प्रेरित हो जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा। गांधी और गॉडसे को प्ले करने वाले एक्टर पहले भी ये किरदार निभा चुके हैं, तो उनके एक्टिंग में वो एक्सपीरियंस साफ दिखता है। एक सीन में गांधी जी के बचने के बाद गॉडसे को उनके सामने लाया जाता है, तब की दोनों की एक्टिंग देखते बनती है। स्क्रीन प्ले पर खासा ध्यान रखा गया है, तो वहीं ये कई गंभीर सवालों पर भी डिस्कस करते चलती है, जो अक्सर गांधी जी को लेकर, उनके विचारों और एक्शन को लेकर हमारे जहन में उठते हैं, जैसे अखंड भारत पर उनका नजरिया, आजादी के बाद कांग्रेस, आजाद भारत के प्रधानमंत्री पर उनकी रात, और भी बहुत कुछ। आप देखिए फिल्म में, बट एक सूचना यहाँ भी दे दूं कि अगर आपको बॉलीवुड मास मसाला एंटरटेनर पसंद है तो आप इसे देखते वक्त बोर हो सकते हैं, क्योंकि ये उन 10% फिल्मों में से है जो साल भर में बनती है प्योर आर्ट ड्रामा। तो अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है तो जाओ और देखो। फिल्म में गांधी जी जब भी हंसेंगे आपको भी हंसी आएगी, और ओवरऑल एज ए फिल्म मैं दूंगा इसे 3.5 out of 5 stars। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। तो पठान के सिनेमाघरों में रिलीज को 1 सप्ताह बीत चुका है और इसके कलेक्शन में बस थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, बट फिर भी ये फिल्म 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। इंडिया में इसका ग्रॉस कलेक्शन दंगल के कलेक्शन से सिर्फ 10 करोड़ कम है, जिसे बीट करते ही ये इंडिया में हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी। वहीं वर्ल्ड वाइड ये 700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है, जिसमें वीकेंड पर फिर ऊंचाई की संभावना है, क्योंकि कोई बड़ी रिलीज इस वीकेंड नहीं है जो इसे रोक सके। तो क्या लगता है आपको, पठान कर पाएगी? हाँ तो लाइक और कमेंट करो, वीडियो अच्छी लगे तो ये भी बताओ। बाय।